नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBCL अंडाल में। मैं आपको आज इस वीडियो में एलजेब्रा का पार्ट 19 बताऊंगा। पंखा तो बंद कर बताऊंगा। इस वीडियो में स्क्वायर रूट इन एलजेब्रा में स्क्वायर रूट किस तरह निकाला जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। ये इस तरह के प्रश्न भी अब एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। मैंने ये जो प्रश्न लिखा है ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ ही प्रश्न है, तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको एग्ज़ाम में किस तरह दिया जाएगा ये प्रश्न, या तो ऐसे दिया जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये रूट के अंदर दे के इसका मान निकालने के लिए कहा जा सकता है, या फिर ऐसे कहा जा सकता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। तो स्क्वायर रूट निकालने का मतलब हो गया कि इस पर रूट चढ़ाना है आपको। तो यहाँ पर यही आपको ध्यान देना है कि लैंग्वेज वहाँ पर दोनों तरह का हो सकता है। आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी कहा जा सकता है, तब आपको स्क्वायर रूट चढ़ाना होगा, या फिर आपसे ये भी कहा जा सकता है कि इस तरह से दे दिया गया है इसका वैल्यू क्या होगा। तो दोनों का मीनिंग एक ही है कि आपको स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम लोगों को कहा जाता था कि 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर रूट हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा के 3 आ जाता था, तो बिल्कुल वही अब एलजेब्रा में हम लोगों को करना होगा कि एलजेब्रिकली हम लोग किस प्रकार वर्गमूल निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों का टारगेट होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसे बदल लेना, ताकि जब हम लोग इसको रूट चढ़ाएं तो अगर ये होल स्क्वायर में हो तो एक इसमें से बाहर निकल आएगा। यानी हम लोगों का टारगेट होगा कि इस ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लेके आना है। हम लोगों का टारगेट ये होगा, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको इस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा होने से क्या होगा, ये हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख पाएंगे, और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख पाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो a प्लस बी बाहर निकल आएगा। सेम चीज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी हम लोग वही काम करेंगे। इसलिए दोस्तों, जब हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम लोगों का एम क्या होगा, हम लोगों का लक्ष्य होगा कि ये जो दिया गया है पार्ट, इसको इस तरह से सजा लेना है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, यही हम लोगों का मकसद है। ठीक है दोस्तों, तभी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो हम देखते हैं, एक नंबर प्रश्न को हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। 7 + 2√12, इसका हम लोगों को वर्गमूल निकालना है। दोस्तों, हम अभी ये रूट नहीं चढ़ा रहे, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, आप ध्यान रखें। यहाँ पर मैंने आपको बताया इसका टारगेट हम लोगों का क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में बदलना, ये हम लोगों का टारगेट है। तो ये जो 7 आप देख रहे हैं, इसे आप 4 + 3 में ब्रेक कर सकते हैं। इस 7 को, ये जो 7 था, इस 7 को आप ब्रेक करके लिख सकते हैं 4 + 3, और ये हो गया हम लोगों का 2ab। तो ज़रा गौर कीजिए, ये √12 को आप √3 × √4 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 + 3 = 12, √12 हो जा रहा है। अभी ये जो 4 आप देख रहे हैं, इस पर आपको स्क्वायर लगाना है, इसलिए √4 का स्क्वायर लिख दीजिए, और ये जो 3 है इसको √3 का स्क्वायर लिख दीजिए। तब क्या हो रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ज़रा गौर कीजिए, आपका जो फॉर्मूला है उसमें वो सेट हो गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे 4 पे रूट नहीं था, रूट क्यों चढ़ाया, तो इसका आंसर ज़रा सा सोच लीजिए। आपको मैंने बताया इसका आपको सेटिंग करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में, उसको सेट करना है। अगर आप इस रूट चार पे रूट नहीं चढ़ाएंगे तो आप स्क्वायर नहीं दे पाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप लिख नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, मुझे ऐसा करना पड़ा कि इस 4 पे रूट चढ़ा के उसका स्क्वायर देना पड़ा। अल्टीमेटली वही आएगा 4 ही, क्योंकि √4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। रूट पे स्क्वायर होने से रूट हट जाता है। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर है, दैट मीन्स अगर √3 का स्क्वायर है तो आप अगर √3 पे स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, यानी कि 3। तो 3 जहाँ पर होगा दोस्तों, वहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, क्योंकि उससे 3 ही निकलेगा आपका। जहाँ पे 4 है दोस्तों, आप इसको √4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली √4 का स्क्वायर 4 ही आएगा। लेकिन ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला में सेट कर जा रहा है दोस्तों। इसलिए हम लोगों का ये होगा ए
प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप जानते हैं दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, इसका वर्गमूल यानी पूरे पे रूट चढ़ा हुआ है। जब पूरे पे रूट चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक निकल जाएगा रूट चार प्लस रूट तीन। तो दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि चार से दो निकल जाएगा इसलिए टू प्लस रूट थ्री, यही आपका आंसर है दोस्तों। कई किताबों में या फिर एग्जामिनेशन में इसके आगे प्लस माइनस लगा हुआ रहता है, प्लस माइनस। तो आप घबराए नहीं, मैंने आपको इसके पहले वाले किसी वीडियो में ज़रूर बताया है कि जब आप रूट के अंदर से किसी भी चीज़ को निकालते हैं और वो अगर आपको पता नहीं है कि वो लेंथ का है या ब्रेथ है या हाइट है या एरिया है, नहीं पता है, तो आपको प्लस माइनस लेना पड़ता है। इसलिए दोस्तों कितना आसान तरीका से हम लोग निकालें, अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसे शॉर्ट में निकाल सकते हैं। इतना स्टेप आपको नहीं करना होगा लेकिन कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ज़रा सा सोचिए, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 7 है, 2AB के लिए 4 तिया 12 और यहाँ पे 4 3 7, बस आपका आंसर यही है दोस्तों, रूट 4 प्लस रूट 3, यानी 4 से कितना निकलेगा 2 प्लस रूट 3, यही आपका आंसर है दोस्तों। तो आप बिना पेन चलाए यहाँ पर इसे बना सकते हैं, तरीका देख लीजिए। आपको इसको तोड़ना है 4 इंटू 3, 4 तिया 12 हो गया दोस्तों, और ये 4 3 7, बस आंसर आपका यहाँ पर रेडी है, रूट 4 प्लस रूट 3। तो 4 से तो 2 निकल जाता है तो 2 प्लस रूट 3। और ये ध्यान रखें, इसमें कोई भूलने की बात नहीं है कि प्लस माइनस भी एग्ज़ाम में रह सकता है, तो घबराना नहीं है। रूट के अंदर से जब भी आता है तो प्लस माइनस ही आता है, अगर वो लोग देते हैं प्लस माइनस तो ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो यही आपका आंसर होगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसे बताने जा रहा हूँ, आप इसे देखिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैंने आपको ट्रिक बताया, ये जो 12 है इसको आप तोड़िए 4 इंटू 3 और इसको तोड़िए 4 इंटू 4 प्लस 3, तो कितना निकलेगा दोस्तों, इसका आंसर होगा रूट 4 प्लस रूट 3। तो रूट 4 से कितना निकल जाता है 2 प्लस रूट 3, यही आपका आंसर है दोस्तों। बिना पेन चलाए आप बना सकते हैं, वही तरीका आप यहाँ पे अपनाइए दोस्तों। जो रूट 6 है ये 2AB वाला पोर्शन है, जो फार्मूला आप लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये जो 2AB वाला पोर्शन है ये, ठीक है दोस्तों, तो 2AB है, तो इसे आप अगर तोड़ेंगे तो 3 इंटू 2 रूट 3 इंटू रूट 2 और ये आपका 3 और 2, तो कितना निकलेगा आंसर दोस्तों, रूट 3 प्लस रूट 2, यही आंसर है आपका। सोचिए बिना पेन चलाए आप बना पा रहे हैं, कुछ भी करना नहीं है, आप डिटेल बना सकते हैं, मैं डिटेल यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, लेकिन आप यही तरीका अपनाएं, 6 को तोड़े दो भाग में, रूट 3 इंटू रूट 2, 6 आ गया आपका, और जो 5 है वो 3 प्लस 2 आ जा रहा है, मैं इसे डिटेल में यहाँ पर आपको फिर भी बता दे रहा हूँ। जो 5 है इसे आप तोड़ दीजिए 3 प्लस 2 में, और ये 2 इसे आप लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2। इस 3 को आप कितना लिख सकते हैं दोस्तों, रूट 3 का स्क्वायर, और 2 को रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2AB। देख लीजिए दोस्तों फार्मूला में सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, फार्मूला आप सभी जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और आपको करना क्या था दोस्तों, स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है इस पर रूट चढ़ा देना है, तो रूट चढ़ा देंगे तो होल स्क्वायर है तो एक बाहर आ जाएगा, यानी रूट 3 प्लस रूट 2। तो ये रहा डिटेल, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल शॉर्ट में इसे बना सकते हैं, 6 को ब्रेक कीजिए 3 इंटू 2, 5 को 3 प्लस 2 5, ये आपका आंसर रूट 3 प्लस रूट 2। ठीक है दोस्तों, तो और भी जो प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए विभिन्न एग्ज़ाम में जो है पूछा गया प्रश्न है ये, SSC के डिफरेंट एग्ज़ाम में, CHSL, CGL, FCI, ये सब में पूछा गया प्रश्न है, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से इसे कलेक्ट किया है और आप इसे खुद से बनाइएगा। मैं एक दो प्रश्न का हिंट्स आपको ज़रूर देना चाहूँगा, ये मैथ बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए मैं इसे आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपको कहा गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यहाँ पे सभी में देखिए दोस्तों 2AB का पोर्शन आपके पास था, यहाँ 2 था, यहाँ भी 2AB बना सकते हैं, यहाँ भी 2 बना सकते हैं, यहाँ भी 2 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, मगर यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ पे आपका 2 वाला पोर्शन नहीं है, ये जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये जो 2 वाला होता है पोर्शन 2AB, वो 2 तो यहाँ है ही नहीं, आप पहले इस चीज़ को गौर कीजिए, यहाँ पे था, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, जैसे 2AB आप बनाएंगे 4 को तो 2AB बन सकता है, 2 है वहाँ पे, मगर यहाँ तो 2 है ही नहीं, सबसे पहले बात इस चीज़ आप गौर कीजिए, 2 नहीं है वहाँ पे ये फार्मूला का, तो मेरा पहला काम होगा वहाँ पे 2 लाना, क्योंकि फार्मूला में 2 होता है,
बिना फार्मूला का, बिना टू का ये फार्मूला बनेगा ही नहीं कभी, इसलिए ए बी वाले पार्ट में टू लाना होगा आपको। पहला टारगेट आपका ये होगा, तो मैं इसे बता रहा हूँ, आप देखिए डिटेल में मैं इसे बता दे रहा हूँ। इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए कहा गया है, टू प्लस रूट थ्री का। तो दोस्तों मैंने जैसा कहा इसमें टू नहीं है सामने में, तो आपको टू लाना होगा। एनी हाउ आप क्या कर रहे हैं देख लीजिए ज़रा, टू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो आपको पता होगा दोस्तों एलजेब्रा में ऐसा कई बार सिचुएशन आता है जहां पर हम लोगों को ऐसा काम करना पड़ता है कि हम लोग टू से अगर इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वन बाई टू लिखना होगा ताकि वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को ये टू लाना ही पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, क्योंकि बिना टू ए बी का फार्मूला में भी नहीं सजेगा। लेकिन उस टू के वजह से हमें एक बटा टू देना पड़ रहा है उसको न्यूट्रल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम इस टू को अंदर लेके जाते हैं, ये एक बटा दो, जब ये अंदर जाएगा तो दो दूना चार हो जाएगा, और इस टू का इसके साथ भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो टू रूट थ्री हो जाएगा। अब ज़रा देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर टू ए बी का कुछ गुंजाइश नज़र आ रहा है कि हाँ टू ए बी बन सकता है। ठीक है, लेकिन पहले तो टू था ही नहीं हम लोगों का, तो पहला तो टारगेट वो पूरा हुआ हमारा। अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं, एक बटा दो, ये जो आप चार देख रहे हैं दोस्तों इसे तीन प्लस वन में ब्रेक कर दीजिए, और ये हो गया आपका टू रूट थ्री इंटू वन, टू ए बी। तो देख लीजिए दोस्तों फार्मूला आपके पास है, रूट तीन का स्क्वायर आप लिख ही सकते हैं, ये वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और ये टू ए बी। मगर ये ख्याल रखें कि एक बटा दो आपके पास है पहले से, तो क्या होगा एक बटा दो, और इधर हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका आपको रूट निकालना है दोस्तों, ये बिल्कुल ख्याल रखें कि इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। जब आप स्क्वायर रूट निकालना है तो पूरे पे आपको रूट चढ़ाना होगा, जब पूरे पे रूट चढ़ाएंगे तो ये आपका एक बटा रूट टू हो जाएगा, और ये जो है होल स्क्वायर है इसलिए रूट थ्री प्लस वन हो जाएगा। कई किताबों में इसे इस तरह से सजा के दे दिया गया है, रूट थ्री वन प्लस रूट टू। तो यही आपका आंसर है, यहाँ पर आपको प्लस माइनस भी दिया जा सकता है, आप मैं इसे बार बार नहीं बता रहा हूँ, इससे प्लस माइनस ही निकलता है। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है उन्होंने क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। अब एज ए ट्रिक यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ कि आप ये कैलकुलेशन अच्छा से देख लीजिए, लेकिन एज ए ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं ये आप देखिए। आप सोचिए कि आपको टू से मल्टीप्लाई करना होगा, जब भी आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बटा दो देना होगा, तो एक बटा रूट टू ये तो कंपलसरी है कि ये आएगा ही, ये पोर्शन आप देख रहे हैं ना, जब आप रूट चढ़ाएंगे तो दो पे भी रूट चढ़ जाएगा, इसलिए एक बटा रूट टू ये वाला पोर्शन आपका आएगा ही आएगा। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे चार हो जा रहा है और यहाँ पे रूट तीन, तो रूट तीन को आप कैसे लिख सकते हैं, तीन इंटू वन, और चार को कैसे लिख सकते हैं, तीन प्लस वन। तो मैंने क्या बताया है आपको ट्रिक दोस्तों, रूट तीन प्लस वन, यही आंसर है। तो आप सोचिए कि आपको पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। सिमिलरली इसका आपको निकालने के लिए कहा गया है टू माइनस रूट थ्री का, तो कितना होगा दोस्तों, एक बटा रूट टू, ये तो होगा ही होगा, और जब यहाँ पे दो से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चार हो जाएगा और ये टू रूट थ्री हो जाएगा। तो चार को आप ब्रेक करके कितना में लिख सकते हैं, थ्री प्लस वन, और यहाँ पे रूट तीन इंटू वन, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा रूट तीन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसीलिए। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बाकी जो भी मैंने आपको ट्रिक बताया है उसके ज़रिए आप इसे निकाल सकते हैं, आंसर को चेक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों।